नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। देखिए, कल हम लोग का, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि चुनाव डिक्लेयर हुआ और 26 अप्रैल को बंगाल में, मतलब हमारा कुलटी विधानसभा में चुनाव होगा। इसके लिए हम लोग एक ठो प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि 26 अप्रैल को जो हमारा चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगा, पूरा भारतीय जनता कुलटी विधानसभा मिलकर उसको जिताएंगे। और अमित शाह का जो लक्ष्य है कि इस बार बंगाल में 200 पार, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। कुलटी से कौन सा चेहरा उम्मीदवार के तौर पर आएंगे भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष से कुछ होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता तय करेगा कि चुनाव में किसको टिकट देगा, लेकिन जो भी व्यक्ति चुनाव में उम्मीदवार होगा भाजपा का, उसको हर एक आदमी हम लोग मिलकर चुनाव जिताएंगे। और जो हमारा मोदी जी का सपना है सोनार बंगला बनाने का, उसको हम लोग बनाएंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं कुलटी विधानसभा का कन्वीनर हूँ, नाम हुआ राजेश सिन्हा। आज के हमारा सांवादिक सम्मेलन डेकेछे एई कारणे, केन आमादेर निर्वाचन कमिशन निर्वाचनेर दिन ठीक करे दिएछे। সামনে আমাদের কঠিন পরীক্ষা, আমাদের লক্ষ্য আছে পরিবর্তনের পরিবর্তন, যার আপনারা অনেক আগেই মোদিজি বা অমিত শাহজি বলে গেছে যে আমাদের 200 পার করতে হবে, যার জন্য আজকে আমরা একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছি। আমাদের যে কুলটি বিধানসভা, আমাদের লক্ষ্য, আমরা রাজনৈতিক দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে যাতে আমরা বিজেপিকে জয়লাভ করাতে পারি, এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আপনার পরিচয়টা বলুন। আমি অজিত চক্রবর্তী, জেলা সদস্য। निर्वाचन डिक्लेयर हो गया, तो इसीलिए हम लोग का टारगेट है, मोदी जी और अमित शाह जी इसका पहले बोल के गया जे इस बार 200 पार। तो हम लोग कुलटी विधानसभा में हम लोग का कैंडिडेट जो भी होगा, हम लोग सब राजनीतिक व्यक्तित्व जो भी है, हम लोग सब इकट्ठा होकर, हम लोग का एक ही काम है कुलटी विधानसभा, हम लोग का कैंडिडेट को विन करना। अभी तक आपने कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर नहीं किया है, तो आप लोग क्या सोचते हैं किसे खड़ा करके हम किस तरह से जीत दिलाएंगे? हम लोग का जो संगठन है, बूथ लेवल संगठन तक हम लोग पहुंच गए। 268 जो हम लोग का बूथ है, हम लोग 262 जो हम लोग का बूथ स्तर है, तो हम लोग का बूथ सबसे मजबूत, हम लोग का उम्मीदवार जो भी होगा भाजपा का बैनर में, वो उसको हम लोग विन करेंगे। आप भाजपा के किस पद पर हैं? हम जिला सदस्य है अजीत चक्रवर्ती, और मेरा बाजू में जो है 4 नंबर का मंडल प्रेसिडेंट राजेश सिन्हा जी, हमारा विधानसभा का कन्वेनर है। मेहरा जी हम लोग का ओबीसी मोर्चा का शेड्यूल कास्ट मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी है, जिला का डाका हुई थी। तार उद्देश्य ही चेटाई हमारे कुलटीते बामादेर विधानसभा जे दिन ठीक हुए थे भोटेर दिन, तार परिप्रेक्षिते आपनादेर काछे एखाने आमादेर प्रेस कन्फारेंस जे आगामी दिने आमादेर बीजेपी पार्टी थेके, আমাদের বিজেপি ইজ ডিফারেন্স পার্টি, আমরা এখানে মন্তব্য করব না কে হবে কে নাই হবে, কিন্তু যে হবে না কেন আমরা সব বিজেপির কার্যকর্তা বুথ লেভেল স্তর থেকে আরম্ভ করে আমাদের শক্তি প্রমুখ এবং মণ্ডল স্তরে এবং আমাদের যে বিধানসভা টোটাল, সেই ব্যক্তিকে আমরা জিতাবো, যাতে এই সন্ত্রাস বাহিনী তৃণমূল এবং তলাবাজ তৃণমূলকে আমরা এখান থেকে বিদায় দিতে পারি, সেই সংকল্প করে আমরা এই বিধানসভা ভাজপার হাতে তুলে দেব। আমাদের অমিত শাহজি বলেছেন যে এই আমাদের কুলটি যে ডেভেলপ এতদিন হয়নি, শিক্ষার ব্যবস্থা ঠিক নেই, কর্মের ব্যবস্থা ঠিক নেই, এবং মানুষ যে আগামী দিনে হাই পড়াশোনার জন্য বাইরে যেতে হয়েছে, এইসব বিষয়গুলো যাতে আমরা এই কুলটিবাসীকে, কুলটি বিধানসভাবাসীকে যাতে আমরা সেসব জিনিসগুলো আমরা উপহার হিসেবে তুলে ধরতে পারি, তাই আমাদের এখানে বিজেপি সরকার আসা দরকার। তাই আমরা আপনাদের কাছে এই বার্তা রাখতে চাইছি যে আগামী দিনে আমাদের কুলটি জনগণের কাছে, যে আগামী দিনে আপনারা বিজেপিকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন এবং আগামী দিনে আমরা যে স্বপ্ন সোনার বাংলা করার, সেই স্বপ্ন সাকার করবেন। আমার পরিচয় হচ্ছে, আমি কুলটি মন্ডল 4 ব্লক প্রেসিডেন্ট সত্যজিৎ দাস। নমস্কার,
कल आप लोगों ने देखा टीवी में कि कल से बंगाल का चुनाव का डेट का घोषणा हो गया। हम लोग के पुलटी मंडल थोर के तरफ से आज के जो प्रेस वार्ता का पुलटी के जितने भी नागरिक हैं उनको एक मैसेज देना चाहते हैं इस प्रेस के माध्यम से कि आने वाला 2021 का चुनाव पुलटी के विकास के लिए, पुलटी के व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, पानी के हो, रोड के हो, या फिर मेडिकल व्यवस्था हो, या सबसे बड़ा बात है कि कुल्टी जो कारखाना एशिया का पहला कारखाना उसका जो दयनीय स्थिति है उस स्थिति को ठीक करने के लिए, यहाँ के बेकार लोगों को रोजगार देने के लिए ये बोल होगा। तो हम लोग इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुल्टी के प्रत्येक लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाला 2021 का चुनाव में सोच समझ कर वोट दें और भाजपा के जो भी उम्मीदवार हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएं और कुल्टी के विकास का। आने वाला अगर हम लोग की सरकार यहाँ पर आती है तो निश्चित तौर पर हम लोग कुल्टी कारखाना के लिए और कुल्टी में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो हम लोग के बराकर में एक ही स्वास्थ्य व्यवस्था है बराकर में रानी बंगला, उसी तरह बढ़िया बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में हम लोग व्यवस्था करेंगे यहाँ के गरीब लोगों को बढ़िया ट्रीटमेंट के लिए। ये स्वास्थ्य साथी के कार्ड के बारे में भी आप लोगों ने देखा कि जहाँ पर भी लोग लेके जाता है उसको अगर ऑपरेशन के लिए एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है, ये सब चीज़ ना हो, हम लोग आयुष्मान भारत भी लागू करेंगे। मैं कुल्टी की जनता से फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2021 के चुनाव सोच समझ कर वोट दें। भाजपा को निश्चित तौर पर यहाँ पर 200 सीट आने वाली है, यहाँ पर भाजपा सरकार बनाएगी, उसमें कुल्टी भी एक ऐसा विधानसभा है जो उस 200 में से एक सीट हमारा जरूर रहेगा। धन्यवाद। आपका परिचय? ललन मेहरा, मैं पूर्व में कुल्टी मंडल 2 का प्रेसिडेंट था, अभी मैं जिला में हूँ एससी मोर्चा का महामंत्री। कुल्टी मंडल 2 के सभापति दायित्व रही है। आज कार्यक्रम क्या था? আজকের কার্যক্রম বলতে অ্যাকচুয়ালি কালকে ইলেকশন নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়েছে। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে আমরা কুল্টি বিধানসভার পক্ষ থেকে আমাদের পাশে রয়েছেন অজিত দা, অজিত চক্রবর্তী আমাদের জেলা কমিটির সদস্য এবং সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছি, সমাজের একটা অত্যন্ত নামী দামি লোক উনি, তো আমাদের মানে সিনিয়র বলতে পারেন। আর আজকে উনিই এই প্রেস বাইট যেটা ডাকছেন উনি ডেকেছেন, আমাদেরকে ইনভাইট করেছেন। বাস একটাই উদ্দেশ্য আছে যে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের জেপি নাড্ডাজি সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি যে টার্গেট দিয়েছে বাংলাদেশ যে আগামী দিনে সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে 200 সিট বাংলাকে আমাদেরকে উপহার দেওয়ার আছে, সেই লক্ষ্যে পুরো বিধানসভা আমার একত্রিত হবে, যাকে ক্যান্ডিডেট বানাবে তাকে জিতাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের। এই উদ্দেশ্যে আমরা একজুট হয়ে আজকে নিজেদের মধ্যে একটা গেট টুগেদার প্রেসকে নিয়ে করেছি, বাস সেটাই আর কিছু না।